नागर शैली में बन रहा राम मंदिर, मई जून में पूरा कर लिया जाएगा मंदिर के प्लिंथ का निर्माण। नागर शैली में बन रहे राम मंदिर में नहीं हो रहा सीमेंट लोहे का प्रयोग, दीवारों और नींव में प्रयोग हो रहा विशेष प्रकार का मसाला। रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट तकनीक से बनी थी नींव की लेयर। नागर शैली में बने हैं दुनिया के सबसे बड़े मंदिर। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण के तीसरे चरण का काम जारी है। ग्रेनाइट पत्थरों से प्लिंथ निर्माण का काम किया जा रहा है। प्लिंथ निर्माण की प्रक्रिया मई जून माह तक पूरी हो जाएगी। कर्नाटक के ग्रेनाइट पत्थरों के 15 से 20 के ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। प्रतिदिन कम से कम 100 से अधिक पत्थर लगाने का लक्ष्य है। काम में तेजी लाने के लिए निर्माण स्थल पर 2 और टावर क्रेन सहित कई अन्य मशीनें भी लगाई जा रही हैं। दिव्य राम मंदिर नागर शैली में बन रहा है। राम मंदिर का निर्माण के विशेषों में आइए जानते हैं क्या मंदिर निर्माण की नागर शैली क्या है। समझते हैं राफ्ट, प्लिंथ और अन्य तकनीकी शब्दों को भी जिनका इस्तेमाल राम मंदिर निर्माण में प्रायः हो रहा है। नागर शैली में बन रहा राम मंदिर। अयोध्या के भव्य राम मंदिर का नक्शा उत्तर भारत की नागर शैली पर बना है। नागर शैली उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की 3 में से 1 प्रमुख शैली है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नागर शैली के मंदिरों की पहचान आधार से लेकर सर्वोच्च अंश तक इसका चतुष्कोण होना है। नागर शैली की 2 बड़ी विशेषताएं हैं, इसकी विशिष्ट योजना और विमान। इसकी मुख्य भूमि आयताकार होती है, जिसमें बीच के दोनों ओर क्रमिक विमान होते हैं, जिनके चलते इसका आकार तिकोना हो जाता है। मंदिर के सबसे ऊपर शिखर होता है, जिसे रेखा शिखर भी कहते हैं। मंदिर में 2 भवन भी होते हैं, एक गर्भगृह और दूसरा मंडप। गर्भगृह ऊँचा होता है और मंडप छोटा होता है। गर्भगृह के ऊपर एक घंटाकार संरचना होती है, जिससे मंदिर की ऊंचाई बढ़ जाती है। राम मंदिर कमोवेश इसी तरह से ही बनकर तैयार होगा। नागर शैली के राम मंदिर में होंगे प्रमुख 4 कक्ष। अमूमन नागर शैली के मंदिरों में 4 कक्ष होते हैं, गर्भगृह, जगमोहन, नाट्य मंदिर और भोग मंदिर। प्रारंभिक नागर शैली के मंदिरों में स्तंभ नहीं होते थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव हुआ। तमाम मंदिरों के बनावट में भी बदलाव देखने को मिले। स्थानीय विविधताओं का मिश्रण भी कुछ मंदिरों में देखने को मिलता है। अयोध्या के राम मंदिर में गर्भगृह के अलावा मंदिर परिसर में प्रार्थना कक्ष होगा, एक राम कथा कुंज यानी व्याख्यान कक्ष, एक वैदिक पाठशाला जिसे शैक्षिक सुविधा केंद्र कहा जाएगा, एक संत निवास और एक यज्ञ निवास यानी आगंतुकों के लिए भी एक छात्रावास होगा। इसके अलावा संग्रहालय और अन्य सुविधाएं, कैफेटेरिया आदि भी होगा। एक बार पूरा होने के बाद मंदिर परिसर दुनिया का 3रा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। राम मंदिर में नहीं होगा लोहे का इस्तेमाल। नागर शैली के मंदिरों में लोहे और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर नागर शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके अलावा खजुराहो के मंदिर भी इसी शैली में बनाए गए हैं। विश्व प्रसिद्ध ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर भी नागर शैली में ही बनाया गया है। अयोध्या के राम मंदिर में भी कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सीमेंट की जगह खास तकनीक से बना इंजीनियर फील्ड मटेरियल ही इस्तेमाल हो रहा है। नींव की लेयर रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट यानी RCC प्रणाली से ढाली गई है। पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए उनमें कांटे और छेद बनाए गए हैं। नींव की लेयर रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट जिसे RCC भी कहते हैं, इसी प्रणाली से डाली गई है। नींव में 1 घन मीटर क्षेत्र में
कुल 2400 किलो इंजीनियर फील्ड मटेरियल का प्रयोग किया गया है। विशेष तरह का मसाला है इंजीनियर फील्ड मटेरियल। राम मंदिर निर्माण में ईपीएफ यानी इंजीनियर फील्ड मटेरियल की खूब चर्चा रही। यह खास तरह से तैयार एक मसाला है। इसी मसाले से मंदिर की नींव की कई लेयर भरी गई है। इस प्रणाली से बनी इमारत की नींव प्राकृतिक आपदाओं में कई सौ वर्षों तक सुरक्षित रहती है। इंजीनियर फील्ड मटेरियल में सीमेंट की मात्रा सबसे कम यानी महज 2.5% थी। इसमें कंक्रीट की मात्रा सबसे अधिक थी। एक एक फीट की मोटी लेयर बिछाकर उसे रोलर के जरिए कंपैक्ट किया गया। एक घन मीटर क्षेत्र की लेयर बिछाने के लिए जो विशेष मसाला तैयार हुआ उसमें 60 किलोग्राम सीमेंट, 20 मिलीलीटर की पत्थर गिट्टी 769 किलोग्राम, 10 मिलीलीटर की पत्थर की गिट्टी 512 किलोग्राम, 584 किलोग्राम पत्थर पाउडर, थर्मल पावर स्टेशन से प्राप्त पत्थर कोयला राख 90 किलोग्राम और 150 लीटर पानी का मिश्रण मिलाया गया। इससे जो मसाला तैयार हुआ वो करीब 2408 किलोग्राम इंजीनियर फील्ड मटेरियल यानी ईपीएम बनकर के तैयार हुआ। राम मंदिर में होंगे 5 प्रवेश द्वार। राम मंदिर 128 फीट ऊंचा होगा और इसकी चौड़ाई 140 फीट व लंबाई 270 फीट होगी। राम मंदिर में 5 प्रवेश द्वार होंगे, सिंह द्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप, पूजा कक्ष और गर्भगृह। रामलला की मूर्ति भूतल पर ही विराजमान होगी। डिजाइन के अनुसार 69 एकड़ का ये प्लान है। मंदिर में 106 स्तंभ लगने हैं। भूतल के स्तंभ 16.5 फीट ऊंचे होंगे। स्तंभों के ऊपर 3 फीट मोटे पत्थर की बीम और 1 फीट मोटे पत्थर की छत होगी। समुद्र तल से राम मंदिर की नींव 107 मीटर की ऊंचाई पर तैयार की गई है। पूरे मंदिर के निर्माण में करीब 1.75 लाख घन फुट पत्थर की आवश्यकता होगी। नींव लगभग 12,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में बनाई गई है जिसमें कुल 40-50 परत बिछाई गई है। राख और प्लिंट पर टिका होगा मजबूत राम मंदिर। राम मंदिर की नींव जमीन से 50 फीट नीचे से 48 लेयर में ढाली गई है। इसे 5-5 फीट की मजबूत लेयर को ही राफ्ट कहा गया है। इसकी ढलाई उच्च कोट के इंजीनियर फील्ड मटेरियल से की गई है। राफ्टिंग में कंक्रीट, विशेष किस्म का सीमेंट, पत्थरों का पाउडर आदि के मिश्रण का प्रयोग हुआ है। नींव निर्माण के तीसरे चरण में प्लिंथ यानी चबूतरे का निर्माण किया जा रहा है। 24 जनवरी से शुरू हुए चबूतरे को मजबूत ग्रेनाइट पत्थर से बनाया जा रहा है। प्लिंथ पर ही मंदिर भवन के लिए आधार का काम करने वाले चबूतरे पर मंदिर के मुख्य ढांचे का निर्माण किया जाएगा। इस पर गर्भगृह बनाया जाएगा। गर्भगृह में रामलला की आकर्षक मूर्ति स्थापित की जाएगी। यह मंदिर का मुख्य हिस्सा होगा। अनूठा होगा नागर शैली में बना श्री राम मंदिर। नागर शैली में बन रहा भव्य श्री राम मंदिर निर्माण कार्य के पूरा होने के बाद न केवल दुनिया के आकर्षण का केंद्र होगा बल्कि कई नए कीर्तिमान भी गढ़ेगा। ये दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में शुमार होगा। 84,600 वर्ग फुट का विशाल श्री राम जन्मभूमि मंदिर अब तक बने नागर शैली के मंदिरों में सबसे अलौकिक होगा। नागर शैली में बने देश के प्रमुख मंदिरों में सोमनाथ मंदिर गुजरात, दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान, कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश, लिंगराज मंदिर उड़ीसा, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, कोणार्क का सूर्य मंदिर और उड़ीसा का ही मुक्तेश्वर मंदिर प्रमुख हैं। आज के शो में बस इतना ही। राम मंदिर का निर्माण का ये शो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय श्री राम।